नहीं करते। बाबा जी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे एवं रात्रि 12:30 बजे से 2 बजे तक आने वाले सभी भक्तों से मुलाकात करते हैं और बाबा जी अपनी बातों को भक्तों से इशारे से कहते हैं। शनिवार को बाबा जी अपने भक्तों को रात्रि 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक मिलते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि सत्यनारायण बाबा धाम कोसानारा में होने वाले जो आयोजन हैं, यहाँ 16 फरवरी इसको स्थापना दिवस मनाया जाता है और महाशिवरात्रि 12 जुलाई को बाबा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा एवं सावन को अंतिम सोमवार को होने वाले महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। जय जोहर दोस्तों, मैं हूँ ब्रजराज रजा छत्तीसगढ़ टूरिस्ट गाइड और आज मैं पहुँचा हूँ रायगढ़। रायगढ़ में जैसे बाबा धाम पहुँचा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ रहस्य के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ के स्थानीय निवासी से जो पहले से सेवा देते आ रहे हैं उनसे चलो आइए जानकारी लेते हैं। कैसे थे और अभी कैसे देखने को मिलता है? तो ऐसे खेत खार मतलब यहाँ पर कुछ नहीं। अच्छा, खेती किसानी और जमीन थे? थोड़ा सा पीला तो था, उसी में आके बैठ गया। अच्छा, अचानक से तो फिर उस समय भीड़ वगैरह। अच्छा, इनका जो भोजन कुछ भी अच्छा क्या है भोजन में? बाबा जी का जो भोजन है फल दूध और पानी। फल दूध पानी, और उसमें किसी को पता नहीं चलता, पता है नहीं चलता। उसका उठने बैठने का कोई किसी को नज़र नहीं आता। और पहले जमीन बताया था कि मैंने खेती किसानी की जमीन थी। और कुछ यहाँ पहले से जो विकास हुआ पहले नहीं था जो अभी हुआ है? जो पहले तो यहाँ पर कुछ ही नहीं था, अभी सब बनते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अच्छा, बन गया है जो तो धर्मशाला बन गया। अच्छा, हाँ तो रसोई वाला पंडाल बन गया है। और फिर आश्रम बना हुआ है। अच्छा, दूर दूर से यहाँ लोग आने लगे? हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं। ऐसा कोई चमत्कार हुआ है कुछ कभी? हाँ, यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ है जो आदमी की नज़र में नहीं है। ऐसा वो चमत्कार है जो बिजली का रचता है ना। हाँ, जहाँ पर शुरुआत में जब बैठे थे बाबा जी उसी जगह में झंडा लगा हुआ था। उस झंडा में जब चिंगारी गिरा ना वहाँ से झंडा को जला दिया। झंडा को जला करके उसका जो अंगारा था पूरा उसके अगल बगल सब तरफ बड़ा बड़ा अंगारा गिरा। अच्छा, बाबा जी प्रकार। अच्छा, नहीं वैसे ही। अच्छा अच्छा, वहाँ से जब मार के निकलते पीछे में झाड़ था, झाड़ को लगा ना गर्जना, झाड़ को फाड़ दिया। अच्छा फाड़ दिया। अच्छा, कितने उम्र से यहाँ बैठे हुए हैं ऐसा कुछ? हाँ, बाबा जी बैठे हैं 14 साल से। 14 साल से। हाँ। अच्छा, और इनके कुछ रहस्य इनके बारे में कि कहाँ के हैं क्या है? हाँ, बाबा जी है डूमरपाली के, देवरी डूमरपाली के नाम से जानते हैं गांव को। अच्छा, यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है अंदर। और इसके परिवार के लोग कुछ? हाँ, उनके परिवार के लोग आना जाना करते रहते हैं, बाकी यहाँ नहीं रहते। अच्छा, है परिवार है? लोग भाई है, बहन है, माता है। हाँ, बाकी पिता जी। अच्छा, तो आज ध्यान मग्न रहते हैं प्रतिदिन। हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए जगहों के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।